बहू और बेटियां की हर खबर होती है सबसे हटकर सबसे जुदा, लेकिन हमारी एक खबर होती है जो वीकेंड पर सबसे स्पेशल होती है। आप समझ गए मैं किस ओर इशारा कर रही हूँ। अरे हमारी खास खबर, ना तो धधकते शोलों का खौफ है और ना ही धमाकों का डर। एएसपी संध्या आज तो जान पर खेल जाएंगी। इस गोदाम में फंसे कई मासूम जानों को बचाने संध्या अग्निपथ से गुजर जाएंगी। आप सब जानते हैं कि संध्या अब एएसपी बन गई है, एएसपी संध्या राठी हो गई है, तो वही कुछ लोग जो है आग में फंसे हुए हैं और मैं उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पहुँचती हूँ कि तब तक जो है अग्निशमन जो फायर एक्सटेंशन वाले जो होते हैं वो तब तक आए नहीं है, तो मैं खुद से कूद पड़ी आग के अंदर। क्या मदद करते हुए ऐसे ही हाल हो जाता है जी, जब ऐसा पावर पैक्ड एक्शन सीन हो तो फिर हाल बुरा हो ही जाता है। बिना बॉडी डबल के आग के दरिया से गुजरना आसान नहीं। यहाँ तो लोगों को कंधे पर उठाकर संध्या को दौड़ना भी था और खूब उछल कूद भी करनी थी, लेकिन अपनी रियल शादी से लौटी दीपिका ने रील पर अपना सबसे मुश्किल एक्शन सीन पूरे दमखम से दिया, जिसे देख सीरियल के स्टंट मैन कह उठे कि सीरियल की इस बीदनी का जवाब नहीं। कुछ ऐसी हानि या कुछ लगी कुछ ऐसा नहीं हुआ और कभी भी नहीं होता ऐसा, तो बाकी सर बताएंगे। मैंने तो बहुत मस्ती की आज, मुझे तो बहुत मजा आया, कुछ अलग किया है मैंने। जो भी शॉट लगाया लगा कि मुझे डुप्लीकेट से लेना चाहिए, लेकिन संध्या बोली मैं शॉट दूंगा और संध्या ने अच्छे इसके सब शॉट, मतलब 99% पूरा शॉट ही दिया है, इसी मुझे डुप्लीकेट ला के रखा लेकिन मैंने यूज ही नहीं कर पाया। भाई जब इरादे बुलंद हो तो फिर डुप्लीकेट का नो चांस। वैसे सेट पर सेफ्टी के सारे इंतजाम मौजूद थे, कभी आग बुझाई जाती तो कभी लगाई जाती। मेकअप दादा ने भी खूब मेहनत की और सीन पूरा हो गया। वैसे ये तो शुरुआत है, एएसपी साहिबा दर्शकों को बहादुरी के कई और जलवे दिखाएंगी। क्यों है ना संध्या, दर्शकों के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। शो में 9 से 9:30 बजे मिलेगा इनको ही देना मारू इनके साथ पहले उसको उल्टी हटा दी ना जी ना, आपके पंच से हमें डर नहीं लगता। बॉक्सिंग की ये ट्रेनिंग तो आपके दुश्मनों पर असर दिखाएगी। आज तक ब्यूरो।